Hello and very good morning to all. This is me, Rahul Bhardwaj, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. And this is our daily current affair analysis, uh, daily news analysis. Let us see what are the important takeaways. All of you are welcome to the class. Please let me know that I'm audible, everything is fine. Am I audible? सोलर से स्टार्ट एंड ओके दिस ऑफर इज़ वेलिड टिल ट्वेल्थ ऑफ मे जहाँ पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मतलब जी एस और ऑप्शनल दोनों के सब्सक्रिप्शन पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है एंड दिस न्यू प्राइज़ फिफ्टी सेवन परसेंट एंड यू कैन यूज़ द कोड आर बी लाइट इस लिंक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्रैक पर लिंक एम सी क्यूस रीच क्लास विल ट्राई टू रिज्यूम दैट इज़ वेल बिकॉज ऑफ सम बैक इश्यूज़ कंटिन्यू हम उसको नहीं कर पा रहे हैं फाइन सो so, बैचेज़ uh, आपके हर वीक स्टार्ट होते हैं इसके अलावा आपका ये सब्सक्रिप्शन ऑफर भी वैलिड है एंड ये जो आपके ट्वेंटी बुकलेट्स हैं जो आपको ये मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस बहुत ही समराइज वे के अंदर जैसे कोई नोट्स बनाता है ओके आई हैव ग थ्रू दिस बुकलेट्स एज वेल सो दीज आर एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ दैट कवरेज तो आपका जितना वाइड कवरेज है क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत वाइड होता है कवर करना अपने आप में चैलेंज है तो उसको नोट्स फॉर्म में बना के और इस तरह से पूरा किया गया है सो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दैट एंड दीज आर वेरी अपडेटेड एज वेल है ना बिल्कुल जो करंट अफेयर की इवेंट्स हैं उनको अपडेट किया हुआ है जैसे के नोट्स हैं तो वहाँ पे uh, जो भी अबिस एडिशन वाले केसेस हैं कुछ भी चल रहा है उसको अपडेटेड है इकोनॉमी है तो वहाँ पे फार्मर्स के बिल हैं उनको अपडेट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है सभी एन की गाइडलाइन सब जगह पूरा एक जगह पे आपको पूरा मैटर मिल रहा है सो इट डेफिनेटली बहुत आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देता है एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है ना फोकस करता है प्रिपरेशन तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल रहे हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एंड इसके साथ में आपका ये ट्वेंटी वाला भी वैलिड है सो so आप जा सकते हैं सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अपना प्लान चूज करके कोड यूज़ करें आर लाइव टू गेट टेन ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सिमिलरली यू कैन ऑफ फॉर आइकॉनिक ऑप्शनल के लिए अलग से भी जा सकते हो ये कॉम्बो ऑफर है जिसपे अभी ये चल रहा है कोई भी आपकी क्वेरी है कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल पी आपका इवनिंग तक यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है ये लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है साइंस एंड टैक्स स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज दिस ब्लैक फंगस ओके इन कोविड पेशेंट ब्लैक फंगस इन कोविड पेशेंट दिस इज द आर्टिकल इन टूडेज इंडियन एक्सप्रेस तो इसे एक बार देख लेते हैं क्या है ये ब्लैक फंगस देखिए जो कोविड नाइन्टीन के पेशेंट है कोरोना के जो पेशेंट है उनके अंदर एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन है बहुत रेयर इन्फेक्शन उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है फ्रीकुंटली हालांकि बड़े लार्ज स्केल पे तो नहीं है लेकिन इसको फ्रिक्वेंटली ऑब्ज़र्व किया गया और इसका फंगस का नाम है बाइकॉर माइकोसिस म्यूकोर माइकोसिस फाइन म्यूकोर माइकोसिस इसका नाम है और कॉलक्टली मतलब इसको जो नाम दिया गया है दैट इज दिस ब्लैक फंगस इसे नाम दिया गया है बहुत ही सीरियस ये फंगल इन्फेक्शन है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस पर पूरा अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है क्यों हो रहा है फाइन और कितने पेशेंट में ये ऑब्जर्वेबल है और जनरली आप देखोगे तो ये जो आपका ब्लैक फंगस वाला आ, आ, जो इन्फेक्शन है ये ऐसे पेशेंट में देखा जा रहा है जो कोरोना से डील भी कर रहे हैं और जिनको आपका इस तरह की मेडिकेशन्स पे रखा गया है है ना फॉर एग्ज़ाम्पल पे ट्रीट किया जा रहा है जिनको स्टीरोड पे ट्रीट किया जा रहा है और अदर ड्रग फॉर द कोविड नाइन्टीन टू रिड्यूस द इन्फ्लोमेशन एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स दी जा रही हैं इस्टीरॉयड uh, भी उनमें से एक हैं आपके uh, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टीरोयड पे रखा जा रहा है या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा रही हैं वो इसके लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं है ना सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी उनकी है कि वो ब्लैक फंगस वाला इन्फेक्शन उन्हें हो हालांकि अगेन लार्ज स्केल पे नहीं है बट इसके केसेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं ना नो मेजर आउटब्रेक इज देयर हाउ एवर दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न है ना तो इसे हम देख लेते हैं म्यूकोर माइकोसिस इसका नाम है ये ध्यान रखिए और वैसे इसे जो कॉमन नाम दिया गया है आम बोलचाल की भाषा में वो है आपका ब्लैक फंगस सो so, uh, इसमें हो क्या रहा है देखिए uh, ये जो डिजीज़ है जनरली क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना uh, तो हमारी स्किन पे ही इम्पेक्ट करते हैं मेजरली स्किन को ही uh, वहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन है आपके लंग्स को भी इम्पेक्ट कर रहा है इवन ब्रेन को भी आपका इम्पेक्ट कर रहा है ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है लंग को भी अफेक्ट कर रहा है दैट्स वाई इट बिकम्स अ काइंड ऑफ सीरियस फंगल इन्फेक्शन अदरवाइज स्किन वाले जो होते हैं उसमें टॉपिकली आप कोई क्रीम लगा ली एट्सट्रा या फिर कोई ज़्यादा ही हो रहा है तो आपने कोई टैबलेट वगैरह लिया है ये आपके लंग्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है इट इज़ काज बाय द ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉमनली नॉन एज दैट म्यूकॉरमाइसाइट्स ये इन्वायरमेंट में आपका प्रेजेंट होता है है ना जिसकी वजह से ये आपका इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ये जो आपके मोल्ड होती हैं जो फंगस होती हैं ये इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रजेंट हैं नेचुरली ये प्रजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है ये नेचुरली आपका प्रेजेंट है तो जो भी पेशेंट है है ना वो इसको इन्हेल करेगा और इसके जो स्पोर्स होते हैं फंगल जो स्पोर हैं वो आपके लंग्स के अंदर जाएंगे फाइन सो लंग्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स गेट अफेक्टेड आफ्टर द इनहेल फंगल स्पोर फ्रॉम द एयर क्योंकि नेचुरली आपका प्रेजेंट है एन्वायरमेंट में फाइन अब इन पेशेंट के आपके लंग्स में चला गया है और वहां पे इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है दैट इज दिस न्यूकोर माइकोसिस फाइन इतना इसमें ध्यान रखना है कुछ सिम्टम है बहुत ही फाइन uh, अगर आप देखोगे कुछ सिम्टम इन्होंने एडवाइजरी में मैंशन किया हुआ है साइनोसाइटिस मतलब नाक बंद हो जाती है अब नाक सभी की बंद हो जाती है सामान्य सर्दी जुकाम में भी नाक बंद हो जाती है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है क्लियर और क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को रात में डिनर आपने हैवी कर लिया है ना रात में डिनर हैवी कर लिया और फिर ब्लोटिंग होती है आपके पेट के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो गई है कई बार किसी को चेस्ट में पेन हो जाता है बहुत बहुत कॉमन है ना चेस्ट बर्निंग होती है फ्रिक्वेंट पेन हो जाता है तो कई लोग देखते हैं कि यार हमें अटैक तो नहीं आ रहा है सो so, इस तरह से उसको नहीं लेना है अगर किसी को कोई भी ऐसा इशू है तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए ये सारे इसमें दे रखा है जैसे लूजनिंग ऑफ टीथ जॉ इन्वॉलमेंट है ना आ, बहुत सारे पेशेंट में ये बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है जॉ इन्वॉलमेंट है और फिर आई जो है उसको भी इम्पेक्ट कर रहा है लॉस यू हैव दैट डबल विजन ब्लड विजन एट्सट्रा थ्रोम्बोसिस होता है मतलब खून के थक्के जमने लग जाते हैं आपकी वीन्स के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर चेस्ट पेन है ये कुछ सिम्टम है ये आपको ऐसा ही बता दिया सिम्टम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्टम जस्ट टू मेक यू अवेयर आप अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हो इसको पढ़ सकते हो बट हमारी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वट इज़ दिस ब्लैक फंगस व्हाट इज दिस म्यूकॉरमाइकोसिस किसे इफेक्ट कर रहा है कैसे इफेक्ट कर रहा है दैट्स ऑल इतना हमें ध्यान रखना है फाइन नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे ये आपको समझ आ गया ना <coughs> चाइना का जो रॉकेट है वो रॉकेट का डेबरिस मतलब इसका जो एक तरह का कचरा है वो आपका फॉल करता है इंडियन ओशन के अंदर है ना एक बहुत बड़ा इशू बनता है चाइना ने आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि चाइना ने अपना लॉन्ग मार्च फाइव बी रॉकेट भेजा था ओके कैरिंग द तिहाने और हेवनली हारमोनी मॉड्यूल ओके चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरह से बनाना चाह रहा है एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है तो उसके अंदर बैक टू बैक आपके ये भेजे जाएंगे है ना रॉकेट्स भेजे जाएंगे तो ऐसे टेन मॉड्यूल है अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए तो उसमें से ये आपका गया था फर्स्ट अभी हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया था तो ये जो इसका जो डेब्रिस है है ना वो इस तरह से फ्री फॉल कर रहा है तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है है ना फिर चाइना को इतना हैविली क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है चाइना तो कह रहा है भाई आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो है ना क्यों तो क्या ये चीज़ सही है क्या डबल स्टैंडर्ड हो रहा है क्योंकि अभी पहले भी आपका स्पेस एक्स का भी कुछ डेब्रिस गिरा था आपके वाशिंगटन के वो तो लैंड एरिया पे गिरा था फार्म हाउस टाइप कुछ था तो चाइना कह रहा है ऐसा कोई नई बात नहीं है कि हमारे रॉकेट का जो डेब्रिस है वो गिरा हो लेकिन यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं है ना चाइना ने ये इंटेंशनली किया है पहले जो हुआ था वो टेक्निकल एरर की वजह से था लेकिन चाइना ये जो कर रहा है इंटेंशनली कर रहा है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो चाइना ने किया कोरोना वायरस के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी वॉज नॉट देयर किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया तो यहाँ पे वापस ऐसा ही हो रहा है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है किस तरह से जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो फॉलो नहीं कर रहा है पूरा इशू देखते हैं क्या हो रहा है देखिए आपका जो रॉकेट होता है ये इस तरह से पार्ट्स होते हैं ना यहाँ पे आपका पे लोड होता है जो लेके जाया जाता है ओके ऊपर टॉप ऑफ दिस और इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ये बूस्टर स्टेज होता है क्लियर तो जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है ये आपका जा रहा है मान लीजिए इस तरह से यहाँ से लॉन्च हुआ है क्लियर ये ऊपर जाएगा और फिर जब इसने इसको अपनी ऑर्बिट के अंदर भेज दिया है पेलोड को अपनी ऑर्बिट में भेज दिया तो ये सेपरेट हो जाता है ये फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो जाता है बूस्टर स्टेज सेपरेट हो जाता है और फिर ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है ओके okay. ये बूस्ट बैक होता है बूस्ट बैक बर्न एडजस्ट द इम्पैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हीकल तो ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है ऑर्बिट के अंदर ये नहीं जाता है, है ना ये जो है आपका ऑर्बिट के अंदर नहीं जा रहा है जनरली ये यहाँ से नीचे आता है और इसको लैंडिंग जो है इसकी प्लान होती है क्योंकि ये जल रहा है इतना सारा पूरा नीचे आएगा डेब्रिस जलता हुआ अगर किसी लैंड एरिया पे गिर गया जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया है है ना किसी सिटी में अगर गिर जाएगा तो कितना डैमेज कॉज हो सकता है तो ये पूरा प्लान होता है कि ये यहाँ पे आएगा और इन द मिडिल ऑफ द ओशन मिडिल ऑफ द ऑशन में गिरेगा जो कि बहुत सेफ़ होता है तो जनरली ये पूरा प्रोसेस प्लान होता है चाइना ने क्या किया ये जो आपका सेपरेशन हो रहा है ये नहीं किया इसको ऑर्बिट के अंदर लेके गया है ना देखिए इसको पढ़िए वेन द रॉकेट कैरी देयर पे लोड

चाइना चूज नॉट टू डू दिस फॉर इट्स लॉन्ग मार्च रॉकेट लीडिंग टू द वहीकल क्रैशिंग बैकंट्रोलेबली चाइना ने इसको फॉलो नहीं किया और आप देखोगे हुआ क्या है चाइना ने क्या किया ये जो चाइना का टेन फ्लोर लार्ज व्हीकल था व्हीकल ऑफ दिस रॉकेट जिसमें एटीन मेट्रिक टन का यह पूरा का पूरा इसका वेट था वेंट इन द ऑर्बिट अलॉन्ग विदेशन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन तो ये पूरा का पूरा ऑर्बिट में वहाँ पे चला गया इतना पे लोड ले ऑर्बिट में जा रहा है तो डेफ़िनेटली फ्रिक्शन के थ्रू उसकी स्पीड रिटार्ड होती है वो अचीव नहीं कर पाता है पर्टिकुलर जो एल्टीट्यूड हाइट उसको चाहिए और फिर इसने क्या किया अनकंट्रोल इसकी री एंट्री होती है री एंट्री जो हो रही है मतलब नीचे जो आ रहा है डबरिस उसकी री एंट्री अनकंट्रोलेबल होती है और वो कहीं पर भी जाके गिर सकता है क्योंकि आपने प्लान किया नहीं है आपने इंटेंशनली क्या चूज़ किया है इंटेंशनली आपने इस प्रोसेस को चूज नहीं किया जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इसलिए चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ठीक है पहले जो हुआ था जैसे स्पेस एक्स वाला है फाइन तो उसके अंदर क्या था टेक्निकल एरर था वो हो गया दैट इज़ फाइन वो अपनी जगह पर लेकिन आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी आपके प्रोसेस के अंदर नहीं है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो किसी को बता नहीं कर रहे हो बता भी नहीं रहे हो और फाइनली आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो चाइना इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि ये इंटेंशनली हुआ है अनकंट्रोलेबल हो गया चाइना कह रहा है आप डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो पहले भी ऐसा हुआ तब तो आपने किसी को कुछ नहीं कहा बट हियर द थिंग इज डिफरेंट फाइन और अभी आपको याद होगा चाइना ने लास्ट ईयर मई के अंदर भी एक अपना भेजा था और वो आइवरी कोस्ट के आसपास इस तरह से गिरा था डेबरेज फाइन तो ये अगर आप इंटेंशनली इस तरह से रॉकेट भेज रहे हो और उसकी अनकंट्रोलेबल एंट्री हो रही है फाइन तो चाइना तो ये ये जो, जो स्पेस स्टेशन वाला मिशन है इसके अंदर दस इस तरह के रॉकेट आपके जाएंगे तो अगर इस तरह की अनकंट्रोलेबल एंट्री होगी तो कितना नुकसान मतलब कितना रिस्क यहां पे है कितना डैमेज ये कॉज हो सकता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूजली क्रिटिसाइज किया गया है नासा के द्वारा भी इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्लियर सच इंसिडेंट्स हैज रेज द क्वेश्चन अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी चाइना इज डेवलपिंग कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हो किस तरह के प्रोसीजर आप डेवलप कर रहे हो जहां पे जो सेफ्टी uh, है लोगों की उसको आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव फाइन दिस इज नॉट राइट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म इज वेरी हाई स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स एंड नासा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेलिंग टू मीट द रेस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स रेस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड यही है कि यहाँ पे आ रहा है तो ऑर्बिट से पहले ही ऑर्बिट में नहीं जाएगा यहीं पे आप कीजिए ताकि वो कंट्रोलेबल एंट्री हो जहाँ पे हमें उसको डेबरिस को फॉल करना है वहीं पर वो गिरे ये क्लियर हो गया आपको एंड पीपुल विल से ऑल काइंड ऑफ ट्रवल्स आर जनरेटेड बाई द चाइना ठीक है चलिए मूव करते हैं आगे आ, ये आपका हुआ है आ, ये ऑक्सीजन वाला एक हम आ, नहीं ले पाए थे ओके okay, मैंने कहा था इसे करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले बता रखा है कि इंडिया को जो है कितना ऑक्सीजन डेली चाहिए कितनी हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये कह रहे हैं कि जितना इंडिया को चाहिए वैसे इंडिया को जनरली जितना चाहिए होता था फर्स्ट वेव के अंदर उससे लगभग हमारा बहुत बढ़ गया है इफ़ यू टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन फेमिन इन्होंने नाम दिया है तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर है रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन वाज 700 800 एट टन्स पर डे अब ये इंक्रीज हो जाता है आपका अराउंड 4000 थाउजेंड ट्स पर डे ठीक है ना इतना इंक्रीज हो गया सेकेंड वेव के बाद में सेकेंड वेव के बाद में इतना इंक्रीज हो जाता है तो इंडिया के पास डेफिनेटली प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कहते हैं कि सेवन थाउजेंड मेट्रिक टन इंडिया बना सकता है ऑक्सीजन पर डे और हमें चाहिए फोर थाउजेंड टन तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है जबकि हम देख रहे हैं जबकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से कितने सारे पेशेंट की डेथ हो रही है फाइन तो इन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया है प्लीज़ है लुक यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं फेमिन ये जो फेमिन वर्ड यूज़ किया है तो फेमिन के अंदर क्या होता है जैसे आपका जनरली हम देखते हैं लोगों के पास में खाना नहीं होता है, है ना खाने के लिए वो नहीं है आपके फूड नहीं है भोजन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप न्यूट्रिशन वगैरह की बात नहीं करते हो वहाँ पे करते हो कैसे तैसे लोगों को खाना मिल जाए ताकि वो भुखमरी से ना मरे है ना हंगर से इस तरह से ना मरे जो फेमिन के अंदर सिचुएशन होता है अकाल पड़ गया है खाने के लिए नहीं है जानवर मर रहे हैं सो ये इसको फेमिन इसलिए नाम दिया ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेथ हो रही है नंबर ऑफ डेथ उसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन ऐसे लोगों का है जिनको की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं उसकी वजह से डेथ हो रही है या जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उस वजह से डेथ हो रही है दैट्स आई ही इज़ यूजिंग द वर्ड फेमिन क्लियर ठीक है बाकी आपके सेकंड वेव अपना म्यूटेंट है ज़्यादा सीरियस है वो अपनी जगह पे लेकिन काफ़ी सारी डेथ किस वजह से हो रही है मेडिकल ऑक्सीजन आपका नहीं मिल पा रहा है ठीक है ना उनको जो है हॉस्पिटल्स के अंदर कई जगह पे एंट्री ही नहीं है बाहरी पेशेंट खत्म हो जा रहा है तो so यहाँ पे हमारा सिस्टम ओवर स्ट्रेच ही नहीं हो रहा है कई जगह पर फेल भी हुआ है तो so उस कॉन्टेक्स में ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पूरे आर्टिकल को लिखा है और कहा है कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा क्या ये पॉसिबल है तो ये कह रहे हैं कि यार होम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जारी करने चाहिए अब ये सुनने में थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लग सकता आ, मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है आ, कि यार घर पे कैसे ऑक्सीजन पहुंचाओगे है ना हाव द व्यूज़ आर पर्सनल ठीक है ऑथर के अपने व्यूज़ हैं और ये जो है आपके एम्स के अंदर डॉक्टर हैं इनका अपना एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं है कि किसी एम ने व्यूज़ लिखे हैं ये जो आर्टिकल है इनमें डॉक्टर हैं इनका लिखा हुआ है ये कह रहे हैं कि होम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी करने चाहिए इससे क्या होगा जो माइल्ड टू और कई केसेस में मॉडरेट पेशेंट्स हैं उनको घर पे ही आप ऑक्सीजन इस तरह से दे के और उनको स्टेबल रख सकते हो उनको रिकवर भी करा सकते हो उससे क्या होगा आपके जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स क्या हैं हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है ठीक है ऑक्सीजन सप्लाई भी आपका वहाँ पर स्ट्रैच कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ यार हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है आप घर पर रह के ट्रीटमेंट कीजिए तो वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाई इशूइंग द होम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ठीक है और इससे क्या होगा जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन पर इतना ज़्यादा बर्डन आ रहा है उसको भी हम डील कर सकते हैं वो सब चीज़ें अपनी सही है कि हाँ यार इससे डेथ रेट भी रिड्यूस हो जाएगी क्यों क्योंकि जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है हॉस्पिटल पे बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा फाइन क्योंकि जो पेशेंट है उसको घर पे ही इस तरह से केयर मिल जा रहा है बट द मेन क्वेश्चन इज़ दैट ये आप इन्श्योर कैसे करोगे है ना होम बेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई तो पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पास इतना ऑक्सीजन है तो उसको अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इतना है अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास है वो एक अलग चीज़ है लेकिन क्या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो है ना सब जगह पे क्योंकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है आपको पता है ऑक्सीजन आपका बनाया जा रहा है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है है ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्रायोजेनिक टेंकर्स चाहिए क्रायोजेनिक टैंकरस चाहिए जिस पर पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा है ना और ये पूरा तो क्रायोजेनिक टैंकर तो इंडिया के पास बहुत कम है शॉर्टेज चल रही है सुपर शॉर्टेज चल रही है आप कह सकते हो फिर क्या होता है ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जिस जगह पे पहुंचेगा वहाँ पे इसका क्या होता है ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है इसको रीगैसीफाई किया जाएगा गैस फॉर्म में आएगा तभी तो सांस लेने के काम में आएगा तो रीगैसीफिकेशन किया जाता है रीगैसीफिकेशन आपका किया जाता है इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है पाँच छः दिन इसके अंदर लग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश ये करें कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स वी हैव दिस मच प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओके okay? और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है डिस्क्रायोजेनिक टेंकर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो भी हैं तो इस मैकेनिज्म पे अगर हम फोकस करें यहाँ पे इस इस जगह पे हम फोकस करें और ये जो एक्सेस आपका ऑक्सीजन सप्लाई है इसको हम डाइवर्ट करें होम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के लिए तो लोगों को ऑक्सीजन भी मिल जाएगी हॉस्पिटल पे बर्डन भी कम हो जाएगा डेथ रेट भी कम हो जाएंगी फाइन सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ये कह रहे हैं कि हालांकि आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है बट ये एक प्रेगमेटिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं लोग मर रहे हैं इन द एबसेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्लियर हुआ अब इसके लिए इन्होंने कुछ मैकेनिज्म सजेस्ट किया है हाउ एवर कितना प्रैक्टिकल है नहीं है वो अपने आप में देखने वाली बात है लेकिन ये एक सजेशन दे रहे हैं कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है पेशेंट्स को किया जा सकता है घर पे ऑन द वार फिटिंग इसकी एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि हाँ इतना हमारे पास में है, इसको आप करोगे बट पहले आपको प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करनी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोडक्शन आपने कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे इतने सिलेंडर्स लाओगे कैसे घर घर में कैसे सप्लाई करोगे ये अपने आप में एक क्वेश्चन है तो ये कह रहे हैं इसके लिए हम गवर्नमेंट की सप्लाई चेन का यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका जो राशन की दुकान होती है ना फेयर प्राइस शॉप उस नेटवर्क का क्या हम यूज़ कर सकते हैं क्या आपके जो एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन वाला नेटवर्क है उसको हम यूज़ कर सकते हैं वहां से कोई सॉल्यूशन आ सकता है नहीं आ सकता है तो कुल मिला ये कह रहे हैं कि हमें जो है ये होम बेस्ड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी करके लोगों को घर में ऑक्सीजन सप्लाई अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आप कह सकते हो कि हाँ यार वार्ड के बेसिस पे कुछ किया जा सकता है मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है ना वार्ड मेंबर होता है हर जगह पे तो उस तरह पे आपने कोई भी स्कूल है वहाँ पे ऐसा कुछ फैसिलिटी बनाया है समथिंग लाइक दिस ओके दिस इज ऑल तो ये ऑक्सीजन की वजह से जो डेथ हो रही है फेमिन कॉज हो रखा है इसको हम डील कर सकते हैं क्लियर यहाँ से इनपुट आप कुछ केस स्टडी के लिए भी ले सकते हो फाइन नेक्स्ट हम आएंगे ये आपका एक एडिटोरियल है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह से आ, है ना किस तरह से आ, इंडिया ने काफ़ी सारे चैलेंजेस पहले भी फेस किए हैं हालाँकि यहाँ पर दो तीन चीज़ें ही हैं जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझिए या आपके पर्सपेक्टिव को वाइडन करेगा है ना आपकी सोच का दायरा डेवलप करेगा किस कॉन्टेक्स में बात हो रही है देखिए अभी आज जो हम क्राइसिस फ़ेस कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम इंडिया ने कोई क्राइसिस फ़ेस किया है इससे पहले भी हमने बड़े बड़े क्राइसिस फ़ेस किए हैं और इंडिया सक्सेसफुल रहा है इवन अगर हम फर्स्ट वेव में इंडिया का रेस्पॉन्स देखें जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी काफ़ी अच्छा रहा अगर हम माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस को छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा रहा लेकिन जहाँ पे जो टाइम जैसे ये कह रहे हैं आपने मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा दिया लॉकडाउन लगाने का पर्पस क्या था लास्ट ईयर आपने जब लॉकडाउन लगाया था उसका पर्पस ये था कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोविड से कैसे डील करना है सो वी नीड द टाइम ओके पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन लिया अच्छा डिसीजन था आपको टाइम चाहिए था पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए है ना आपने कोविड हॉस्पिटल्स बनाए बेड डेवलप किए पूरा एक जो है ये सब चीजें किया और आप इन्फेक्शन को रोकना चाह रहे थे फैलने से रोकना चाह रहे थे क्योंकि एक साथ इतने पेशेंट आएंगे तो कहाँ ट्रीट करोगे तो इसलिए आपने लॉकडाउन लगा दिया लास्ट ईयर दैट वॉज फाइन ठीक है वो अपनी जगह पर ठीक था लेकिन अब इशू ये है कि अभी जब आपने ये लॉकडाउन लगाया फर्स्ट वेव कंट्रोल हुआ उसके बाद में हमने जो आप कह सकते हो एक कॉम्प्लासेंसी रही या फिर केयरलेसनेस रहा वहाँ पे हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था वो आपका नेगलेक्ट हो गया आपने देखा होगा पूरी बात इलेक्शन पे आ रही है कोरोना एकदम साफ हो गया जबकि वो इन्फेक्शन चल रहे थे सो वी शुड हैव यूटिलाइज दैट टाइम टू इम्प्रूव आर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आपको प्रिडिक्ट uh, करना चाहिए था नहीं भी कर रहे एज ए प्रिकॉशन आपको वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए था फाइन सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीडरशिप जहाँ पे आपका थोड़ा सा चूक हुआ या आप फेल रहे ये कह सकते हैं अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने कुछ किया है आप देखोगे नाइनटीन की ये बात कर रहे हैं नाइनटीन में इंडिया के पास में दो बैक टू बैक फेमीन आए है ना अकाल पड़े दो बैक टू बैक हमारे पास खाने की कमी हो गई फूड वॉज नॉट इनफ टू सस्टेन द पॉपुलेशन फूड हमारे पास इतना नहीं था अमेरिका से हमने हेल्प मांगी थी कि हमें आप खाना दीजिए तो अमेरिका का एक प्रोग्राम था पी एल फोर एट्टी वहाँ से खाना आना स्टार्ट हुआ लेकिन वहाँ पे ये था अमेरिका हमें हेल्प कर रहा है ओके okay, और उसकी पीसमील अप्रोच थी भैया इनको जितना चाहिए बस उतना ही दो उससे ज़्यादा मत दो तो हमारे पे डिपेंडेंट रहेगा कोल्ड वार का वो टाइम था है ना यूएसएसआर मतलब रशिया जो आज का है यूएस आपस में आमने सामने थे और अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया जो है यूएस को सपोर्ट करे लेकिन इंडिया ने नहीं किया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सप्लाई यहाँ बंद करते हैं तो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन का उदय हुआ हरित क्रांति आई ठीक है हमने डिसाइड करा कि नहीं यार ये एरिया है जहाँ पर हमें सेल्फ रिलायंट होना है ओके वी कैन नॉट अफोर्ड टू नेगलेक्ट दिस एरिया तो हमने यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी पॉलिटिकल लीडरशिप आपके सामने आती है और वो डिसाइड करते हैं कि यार ग्रीन रिवोल्यूशन होगा और आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन जंप करता है 200-300 परसेंट से उसे हमने कहा हरित क्रांति तो हरित क्रांति में आपका रोल रहा डेफिनेटली जहाँ पे विजनरी आपकी लीडरशिप थी उन्होंने डिसाइड किया कि इस एरिया में हम नहीं रह सकते डिपेंडेंट तो समथिंग लाइक दिस कुड हैव बीन डन या अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है या नहीं भी आती है फ्यूचर में पेंडेमिक्स रहेंगे तो आप कैसे डील करोगे उस कॉन्टेक्स में कहा जा रहा है कि आपको जैसे हमने हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की तो आज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है है ना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी है और ये आपकी प्रायोरिटी 2020 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए लास्ट ईयर ही आपको इसको प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए था ठीक है आपने कोरोना की फर्स्ट वेव Uh, को फ़ेस कर लिया आपने मान लीजिए सेकेंड वेव प्रिडक्ट भी नहीं किया बट वाट अबाउट द फ्यूचर पेंडेमिक्स आज कोरोना है कल कुछ और आ सकता है वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ दैट सो इन दैट सेंस द लीडरशिप कुड हैव डन बेटर इन केस ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था और अभी भी नहीं करना चाहिए अभी हम सेकेंड वेव फ़ेस कर लेते हैं या कोरोना को अच्छे से फेस कर लेते हैं तो भी हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे आपका खर्चा कितना हो रहा है वो सब बातें हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी काफ़ी है स्टेट्स अपना पाँच परसेंट के आसपास ही खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात की जा रही है तो ये तो हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सेकेंड चीज़ ये कह रहे हैं कि एक चीज़ हमें और प्रिडिक्ट करनी होगी पहले से क्योंकि आपने देखा लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस रहा सब कुछ आपका लॉकडाउन ये सब रहा है ना फिर हमने क्या देखा धीरे धीरे क्योंकि लॉकडाउन रहा सप्लाई चेन जो है आपका डिस्टर्ब हुआ धीरे धीरे आपका महंगाई बढ़ना स्टार्ट हुआ बढ़ना स्टार्ट हुआ पहली बार आपका जो आर का ये गोल है ना महंगाई वाला फोर प्लस माइनस टू परसेंट तो छह परसेंट से ऊपर चला गया आपका सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई सी है ना आ, जिसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब आर बी आई जिस इन्फ्लेशन का कॉग्निजेंस लेता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में महंगाई को नापने में ये आपका छह परसेंट से ऊपर चला गया रीजन यहाँ पे बार बार यही दिया गया कि फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है वो अपनी जगह पे लेकिन फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वापस से लॉकडाउन लग रहा है सभी स्टेट ने लगा दिया आपका केरल है तमिलनाडु है यू हैव दैट राजस्थान दिल्ली एट्सेट्रा सब जगह पे एक एक करके लग रहा है जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल रहा है अगर पेशेंट और आएंगे तो कहाँ रखोगे आप हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी फुल हैं सो अगेन द अगेन द एस्टेब्लिशमेंट और द स्टेट्स नीड टाइम टू ओके बूस्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेड बढ़ाएं जो भी आपको करना है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वापस से आपका लॉकडाउन लग रहा है वापस से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट होगी वापस से फ़ूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इस चीज़ को भी पहले ही ध्यान रख लो ताकि जब फूड इन्फ्लेशन बढ़े तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो क्लियर ये चीज़ इन्होंने कहा है सो यू शुड टेक ऑल द पॉसिबल मीजर्स टू एंश्योर द सप्लाई चेन ठीक है उसमें जो भी डिस्ट्रप्शन है उसको आप सही करने की बात करेंगे एन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ी न्यूज़ है एज यू कैन सी दिस ये जो आपको दिख रहा है लेदर बैग सी टर्टल है सी टर्टल है टर्टल जो होता है आपका है ना लुक एट द साइज साइज इसका एक बार देखिए uh, कितना बड़ा है अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग खड़ा होगा तो इस तरह से इतना सा लगेगा सो दिस इज इन द कॉन्टेक्स की जो ग्रीन पैनल है आपकी जो एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी है या जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उसने अलाउ कर दिया है ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस ग्रेट निकोबार के अंदर ये जो प्लानिंग कर रहे हैं नीति आयोग वाले वहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है आपका है ना एक नया आपका वहाँ पे पूरा कंटेनर टर्मिनल वहाँ पे बनाया जाएगा तो इस पूरे प्लान को इन्होंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है उस कॉन्टेक्स में बात हो रही है ठीक है एक बार इसे देखते हैं नीति आयोग पायलटेड दिस हॉलिस्टिक सस्टेनेबल विजन ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप का पार्ट है अंडमान निकोबार ग्रुप को अगर आप इस तरह से देखोगे तो सबसे नीचे जो साउथ मोस्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट तो यहां पे आपका ग्रेट निकोबार आ रहा है ऐसा ही एक प्लान आपका पहले भी चला था जिसके अंदर लिटिल अंडमान की बात हो रही है लिटिल अंडमान को हम बाद में लेंगे पहले ग्रेट निकोबार की बात करते हैं सो so, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है इसके इसको सस्टेनेबली डेवलप करने की बात हो रही है और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसने जनवरी के अंदर डी नोटिफाई कर दिया था गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको डी डी नोटिफाई नोटिफाई किया था नोटिफाई करने की क्यों जरूरत थी क्योंकि डी नोटिफाई नहीं करोगे तो कहां पर आप कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं ले सकते है ना पहले आपको डी नोटिफाई करना होगा फिर उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है तो इन्होंने जनवरी में इसको डी नोटिफाई कर दिया था क्योंकि यहां पे आपका पोर्ट बनने वाला है और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जब ये डिसीजन लिया वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया कि ये जो पूरा आपका ग्रेट निकोबार का जो एरिया है है ना स्पेशली दैट गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको आपने जो है इम्पॉर्टेंट मरीन टर्टल हैबिटेट्स में इंक्लूड किया हुआ है इंपॉर्टेंट कॉस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया में ये इंक्लूडेड है गलाथिया बे एक बार लोकेशन आपको बता दूँ दिस इज द लोकेशन ईयर है ना ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये बे ऑफ बंगाल है ये इंडिया है यहाँ पे ये श्रीलंका है और ये पूरा आपका अंडमान निकोबार दिख रहा है फाइन सो so, ये आपका इसका भी पार्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है इसी के पास में कैम्प बे नेशनल पार्क भी है और यहीं पे आपका 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गलाथिया बे नेशनल पार्क है गलाथिया बे ये आपकी मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि इसका जो एरिया आपने डी नोटिफाई किया है जिसको आपने इंक्लूड किया हुआ था मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया हुआ था कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर तो फिर ये जो स्पीशीज़ हैं जैसे आपका ये जो लैदर बैग सी टर्टल है लेदर बैग सी टर्टल जो है इसकी कुछ स्पीशीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं तो फिर इन स्पीशीज़ का क्या होगा फाइन दिस इज़ द लार्जेस्ट मरीन टर्टल इसकी बात हो रही है इसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं अगर आप देखोगे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है निकोबार शुरू है शुरू जो होते हैं थोड़ा देखने में चूहे जैसा लगता है बट दिस इज़ अ डिफरेंट वन निकोबार शुरू हो गया ग्रेट निकोबार क्रेक है निकोबार फ्रॉग है ये काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं तो इनको आप कैसे प्रोटेक्शन दोगे है ना ये पूरा गलाथिया बे के अंदर ही है ये जो रीजन अभी हमने देखा है यहां पे इस एरिया में है तो अगर यहां पे इतना बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो व्हाट अबाउट दिस स्पीशीज एंड देयर प्रोटेक्शन क्राइटेरिया तो ये सब देखते हुए भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको अलाउ कर दिया था कि यहां पे पोर्ट आपका बनेगा तो इसी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी आपका चल रहा है फाइन और जो ई है दैट इज एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी क्या करती है इसका रोल होता है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको एनालाइज़ uh, करती है कि अच्छा है ये प्रोजेक्ट है इसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बेसिस पे ये रिकमेंडेशन देती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपका प्रपोजल जो है रिजेक्ट किया जाता है या फिर आपका यस yes किया जाता है ई ए के बेसिस पे आपका यस और नो किया जाएगा है ना यस और नो किया जाएगा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ये आपका यूनियन लेवल पर भी है स्टेट लेवल पर भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी ये न्यूज़ में तब भी था जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आप यहाँ पे चेयरमैन या जो भी बंदों को लगा रहे हो इस कमेटी में वहाँ पे केवल ये लिखा हुआ है एक्सपीरियंस है ना उस बेसिस पे तो उस कंटेक्स में भी न्यूज़ में था तो कहने का मतलब है अगर ई कह रही है कि हाँ ये प्रोजेक्ट आगे जा सकता है तो उस रिकमेंडेशन को के बेसिस पे मिनिस्ट्री उसको प्रोजेक्ट को येस कर देगी या फिर ना करेगी तो यहाँ पे जो न्यूज़ है अगर आप पढ़ोगे तो क्या कह रहा है ये एनवायरमेंट अप्रेजल कमिटी विच हैज फ्लैगड कंसर्नस हैज़ नाउ रिकमेंडेडेड फॉर ग्रांट फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ई आई ए स्टडीज़ क्या ये कह रही है न्यूज ये न्यूज़ कह रही है कि पहले इस कमिटी ने क्या किया था कंसर्न फ्लैग किए थे कि हाँ यार ये एरिया बहुत सेंसिटिव है इकोलॉजिकली यहाँ पे इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा तो ये कंसर्न उन्होंने प्लेस किए थे ई ने अब ये ई ने रिकमेंड कर दिया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए है ना ये जो प्रोजेक्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कोई भी जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्या स्ट्रक्चर्स बनेगी है ना तो वो पहला कदम है फर्स्ट आपका स्टेप uh, है किसी भी प्रोजेक्ट के एडवांस होने के लिए तो ई ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ग्रांट कर दिए मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया कि, कि स्टार्ट करने का एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है क्लियर अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगी उस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है क्या स्ट्रक्चर बनेगी फिर उस पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट रहेगा कितना नुकसान होगा कैसे उस नुकसान को कम किया जा सकता है ये सब चीजें आपकी आती है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर आप देखोगे आई होप दिस इज विजिबल एक बार मैं चेक कर लेता हूं इज दिस विजिबल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यस दिस इज वेरी मच विजिबल प्लीज हैवे लुक एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है है ना प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है और फिर स्क्रीनिंग होती है कि आपका एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जिसे हम ई भी कहते हैं इसका क्या मतलब है कि एन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा जैसे मान लीजिए कोई जंगल है वहाँ पे कोई माइन आ रही है कोई रेलवे लाइन निकलेगी कोई डैम बन रहा है कहीं पे फाइन तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है इसको असेस किया जाता है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि इस प्रोजेक्ट को जरूरत भी है या नहीं है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत भी है या नहीं उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग है। फिर यहाँ पे स्कोप होता है स्कोपिंग की जाती है मतलब व्हाट इशू नीड टू बी एड्रेस ओके कौन कौन से इशू है जिनका हमें कॉग्निजेंस लेना है आपका कोई प्रोजेक्ट है अब वो प्रोजेक्ट में आपने देख लिया कि हाँ यहाँ पर ई आई की ज़रूरत है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है अब आप देखेंगे कौन कौन से इशूज़ हमने लेने हैं फिर यहाँ पे डेटा कलेक्शन किया जाएगा एनवायरनमेंट का क्या स्टेटस है प्रजेंट किसको को थ्रीट हो सकती है कैसे ऐसे एरियाज़ हैं कौन सी स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक हैं मतलब और कहीं नहीं मिलती अगर यहाँ पर यह प्रोजेक्ट आएगा तो स्पीशीज़ वाइप आउट हो जाएंगी समथिंग लाइक दिस तो ये सब चीज़ें आपके डेटा कलेक्शन में ली जाती हैं फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के आने से क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पर जंगल के बीचों बीच में मान लीजिए कहीं पर कुछ आपका पूरा प्रिस्टाइन अगर हैबिटेट है वहां पे अगर आपने एक बड़ी सी दीवार भी बना दी तो वो भी इंपैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा ठीक है प्रिडिक्ट किया जाएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा फिर आपका इवेल्युएशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफाइड इंपैक्ट ठीक है आप देखोगे इससे ये इंपैक्ट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को तो उसका असेसमेंट किया जाएगा अच्छा कितना नुकसान हो सकता है क्या कैसे हम इसको कम कर सकते हैं उसकी भी बात होगी कि नुकसान हो रहा है तो इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं क्या कोई और तरीका है यहाँ पे और फाइनली आपका एन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट दिया जाता है फिर इस स्टेटमेंट का रिव्यू होता है और फिर फॉलोअप होता है है ना कि ये ये इम्पैक्ट है इसको रिडक्शन करने के लिए ये सब चीज़ें हैं तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में मेन जो आपके चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका ई ए सी इन्वॉल्व होगी वो क्या है स्क्रीनिंग स्कोपिंग पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल तो पब्लिक हियरिंग को आप छोड़ दो बाकी सब जगह ई का रोल रहता है ये जो अप्रेजल कमेटी है ये आपका स्क्रीनिंग भी करेगी कि हाँ इस प्रोजेक्ट को जरूरत भी है या नहीं है इन्वायमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इसको देखना है फाइन और फिर अप्रेजल होगा फाइनली क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक हियरिंग के अलावा सारे एरिया में आपके ई का रोल है ये जो अप्रेजल कमेटी है इसका रोल रहता है तो इस ई ने क्या कर दिया अलाउ कर दिया आपका फर्स्ट टर्म ग्रेट निकोबार के अंदर तो ये आपका हम बात कर रहे हैं और डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैव शन और जो डिबेट हमेशा रहती है एनवायरमेंट वर्सेज इकोनॉमी यह डिबेट वापस स्टार्ट हो गया क्या हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए या फिर हमें इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए कोशिश यही की जाएगी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ई आई ए है ना यही है कि हम दोनों को बैलेंस करके चलें बैलेंस करके चलें क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव यह जो है ग्रेट निकोबार वाला एरिया है यहाँ पे ये यह प्रपोज कर रहे हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इंटरनेशनल लेवल पे इसको डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ सिंगापुर की तर्ज पे इस तरह से जैसे लिटिल अंडमान में किया जा रहा है उस तरह से होगा एक पूरा नया का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो ये इन्होंने लिखा है ना ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड ये क्या होती हैं टर्म्स होती हैं इकोनॉमी में ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल आप प्लेन एरिया है कुछ नहीं था वहाँ पे वहाँ पे आपने पूरा नया बनाया कोई भी प्रोजेक्ट तो उसे हम कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ब्राउन फील्ड मतलब पहले वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा था उसको आपने थोड़ा अपग्रेड करके नया सा इस तरह से बना दिया उसे हम कहते हैं ब्राउनफील्ड तो ग्रीन फील्ड है मतलब पूरा स्क्रैच से बनेगा नया बनेगा और पावर प्लांट बनाया जा रहा है टाउनशिप बनाई जा रही है फाइन ये पूरा है और ये ट्रॉपिकल आपके ये जो फॉरेस्ट हैं प्रिस्टाइन कोस्टल सिस्टम है यहाँ पे बन रहा है इसलिए इतना बड़ा कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मैंने दे दिया इसका ये जो आप अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें एक रेफरेंस दिया है इन्होंने अपने एक फरवरी वाले आर्टिकल का हिंदू का तो ये एक फरवरी वाला आर्टिकल हमने फरवरी में डिस्कस किया था आई थिंक मार्च में दोबारा न्यूज़ थी तब भी हमने डिस्कस किया था इसको एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ व्यू दे देता हूँ मेगा सिटी प्लान की जा रही है आपके लिटिल अंडमान के अंदर भी ओके okay, लिटिल अंडमान का जो एरिया है तो ये अंडमान निकोबार पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसे ध्यान से देखिए इसकी मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो आप देखोगे अभी जिस ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहे हैं दिस इज द ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आपका है ये जो है पूरा अंडमान है ये रेड लाइन के ऊपर अंडमान है और नीचे वाला निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अगर आप यहाँ पे देखोगे सो so, uh, अंडमान निकोबार में ही लगभग 572 सेवेंटी टू आइलैंड हैं अकेले अंडमान निकोबार में 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं ये पूरे इतने सारे आइलैंड्स हैं फाइन तो यहाँ पे हम वापस आते हैं ग्रेट निकोबार अभी जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे है और लिटिल अंडमान जिसकी बात कर रही है जिसको मेगा सिटी बनाने की बात हो रही है हम सिंगापुर हांगकॉन्ग की तर्ज पर जिसे डेवलप करना चाह रहे हैं वो ये आपका लिटिल अंडमान है फाइन इस पर भी आपका बात चल रही है और इस पर भी नीति आयोग का प्रपोजल आपका बना हुआ है फाइन ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी रहेगी पूरी की पूरी नई सिटी बसाई जाएगी और ये जो अंडमान और निकोबार दोनों को जो सेपरेट कर रहा है नैरो वाटर चैनल नैरो वाटर चैनल अंडमान निको अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट कर रहा है इसे हम कहते हैं टेन डिग्री चैनल है ना टेन डिग्री चैनल क्योंकि ये टेन डिग्री क्या है आपके लेटीट्यूट है लेटीट्यूट होता ना, है ना जीरो डिग्री हम मान लेते हैं इक्वेटर है फिर जीरो से आपका जाता है यू हैव दैट फाइव टेन ट्वेंटी थ्री एट्सट्रा तो ये आपका लेटिट्यूड है इसलिए इसको टेन डिग्री चैनल आपका कह दिया टेन डिग्री चैनल क्या होता है पूछा हुआ है यूपीएससी ने सो so फाइन इसी तरह से ये आपका आया था तब भी न्यूज़ में था कि आप जो है मेगा सिटी प्लान कर रहे हो लिटिल अंडमान में तो इसके भी वही रिप्रकशंस होंगे फाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट्सेट्रा ये सब आप बना रहे हो कंपैरिजन किया जा रहा था इसको सिंगापुर से हालांकि अब ऐसा नहीं है कि आने वाले पाँच साल में होगा या जब भी होगा इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंसर्न थे जिसकी बात थी जैसे ट्राइब्स हैं यहाँ पे तो ट्राइब्स का क्या होगा इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं उनको आप कैसे प्रोटेक्शन दोगे उनको री किया जाएगा नहीं किया जाएगा डी रिजर्व करोगे जो फॉरेस्टेड एरिया रिज़र्व है उसको डी नोटिफाई करना पड़ेगा तभी तो वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होगा फाइन ट्राइबल के कंसर्न है उनको कैसे डील किया जाएगा फाइनेंशियल डिटेल्स हैं बजटिंग वगैरह तो खैर हो जाएगी वो कोई बड़ी बात नहीं है मेन आपका यही है कि इकोलॉजी ट्राइबल्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट तीन मेजर एरियाज हैं ना क्योंकि आप देखोगे अर्थक्वेक और सुनामी थोड़ा सेंसिटिव ये एरिया है अंडमान निकोबार वाला अर्थक्वेक सुनामी से यहाँ पे डैमेज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है तो यहाँ पे क्या प्रिकॉशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से आप कैसे इसको डील करोगे ये तीन मेजर हाईलाइट्स थी यहाँ पे एक तो आपका हो गया इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंट एक यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं इनको आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात थी और फिर आपका क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट चलिए ये एक बार आपकी जो है अंडमान ग्रुप अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे आपका सिचुएटेड है इधर ये बे ऑफ बंगाल में है और अरेबियन सी में आपका लक्ष्यदीप है फाइन अंडमान निकोबार में आप देखोगे मेजर ये आइलैंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने ग्रेट निकोबार की हमने बात की है लिटिल अंडमान की हमने बात की है सो दिस इज द टेन डिग्री चैनल ये जो रेड लाइन है टेन डिग्री चैनल है और जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ये आपका साउथ अंडमान है पोर्ट ब्लेयर इज देयर है ना और ये लिटिल अंडमान है तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये नैरो पैसेज दिख रहा है जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है ये आपका डंकन पैसेज कहलाता है ये भी याद रखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए और साउथ मोस्ट जो पॉइंट है ग्रेट निकोबार ये जो है आपका यहां पे जो सदर्न मोस्ट ये पॉइंट है इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट तो इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो आपका कन्याकुमारी नहीं है है ना इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंदिरा पॉइंट दैट इज सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार ठीक है हाइएस्ट uh, पीक भी ध्यान रखिए दैट इज द दैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है सेडल पीक नॉर्थ अंडमान ये आपका नॉर्थ अंडमान है यहां पे सैडल पीक आपका सिचुएटेड है दो तो इंडिया के अंदर ये आपके वैसे आप देखोगे ना पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा जो अंडमान निकोबार है इसका जो ऑरिजन है वॉलैनिक ऑरिजन है वॉलैनिक ऑरिजन है जबकि जो लक्ष्यद्वीप है इसका कोरल ओरिजन है फाइन ये भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो यहाँ पे आप देखोगे जो बैरन आइलैंड है इफ यू सी दिस दिस इज द बैरन आइलैंड है ना तो बैरन आइलैंड जो आपको यहां पे दिख रहा है ये नीचे वाला लोकेटेड इन द मिडिल अंडमान इज इंडियाज़ ओनली एक्टिव वैल्केनो केवल यही एक एक्टिव वैल्केनो इंडिया का नारकंडम आइलैंड जो है ये आपका इसी के ऊपर सिचुएटेड फाइन सो दिसमच यू शुड रिमेंबर लक्षद्वीप को भी एक बार देख लीजिए लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है इसमें मेजर आइलैंड ग्रुप कावारत्ती है अगाति मिनी कॉयमिनी फाइन थर्टी सिक्स आइलैंड यहाँ पे हैं और अगर आप देखोगे ये सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दिस इज ऑरिजन जैसा मैंने आपको बताया कोरल डिपॉजिट्स इसका ऑरिजन है फाइन इसमें भी कुछ चैनल्स हैं ये लक्षद्वीप आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है और इसी का एक पार्ट है दैट इज मिनी कॉय दोनों को सेपरेट कर रहा है नाइन डिग्री चैनल और मिनी कॉय या फिर कहिए लक्ष्यद्वीप और मालदीव्स को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज दिस एट डिग्री चैनल एट डिग्री चैनल इज इम्पॉर्टेंट फाइन इसे ध्यान रखिए आप अभी नोट्स बना रहे तो अभी बना लीजिए या फिर आपको पी अवेलेबल हो जाता है वहाँ से भी आप डील कर सकते हो क्लियर ये सब चीज़ें ध्यान रखें अब जो छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना जैसे ये आ, एट डिग्री चैनल किसके बीच में यही पूछ लेगा क्योंकि टेन डिग्री पूछा हुआ है या फिर इसका ओरिजिन क्या है इस तरह से फैक्ट दे देगा यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी so है फाइन तो ट्राई टू बी केयरफुल वाइल यू आर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स इंटरनेशनल रिलेशन पे न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन वाला है कल हम इसको नहीं कर पाए थे ओके आई वाज ट्राइंग टू टेक दैट टॉपिक जब इस पर कोई एक अच्छा एडिटोरियल होता क्योंकि नथिंग मच इज़ देयर यहाँ पे इस टॉपिक पे जो न्यूज़ है ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है सो दैट्स आई आई वाज वेटिंग कि कोई अच्छा एडिटोरियल हो जहाँ पे हम इंडिया ई यू के रिलेशन को डिस्कस करें क्योंकि ये जो जो भी चीज़ें हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन दी आई सेक्शन पी में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस जो आपका टेन थर्टी होता है मंडे टू फ्राइडे थर्टी पे होता है इसी चैनल पे तो देखिए यहां पे क्या बात हो रही है अगर आप देखेंगे दोनों ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है रीलॉन्च किया है फ्री ट्रेड ट्रेडोशियन को फ्री ट्रेड निगोशियन को री लॉन्च किया है फ्री फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों साइन करना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का सर्विसेज का या फिर इन्वेस्टमेंट का फंड्स का है ना तो वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए इजी हो जाए उसके लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो कम हो जाए तो उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका होता है लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें काफ़ी टाइम से चल रही थी और ये टॉक सस्पेंड हो गए थे इन 2013 ओके और इसको नाम दिया गया बाइलेट्रल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्या नाम दिया गया बाइलेट्रल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये टू से स्टार्ट हुआ टू के अंदर 2007 से इस पर बात चल रही है 2013 तक बात चली अब बात बंद हो गई अब दोबारा से बात स्टार्ट हुई है तो डेफिनेटली अगर ये साइन होता है इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगी मतलब क्या निगोशिएशन होता है इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है उस पर डिपेंड करेगा कोई भी एफ अब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छे हैं या नहीं हैं तो ये डिपेंड करता है ना ठीक है ना ये डिपेंड करता है कि इंडिया के लिए यहाँ पे क्या है क्या कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें हेल्प कर रहा है टू इम्प्रूव आर एक्सपोर्ट एट्सट्रा है ना Uh, क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट वहां से कम हो रहा है या ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है या फिर हम केवल ट्रेड डेफिसिट को ही नए दे, ना देखें तो वहां से इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरीके से हमें फायदा हो रहा है या केवल नुकसान ही हो रहा है तो ये चीजें देखी जाती है उस बेसिस पे आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है अभी रिसेंटली हमने आर को मना कर दिया था रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसके अंदर चाइना भी आपका एंट्री था सारे आसियान कंट्री थे दस के दस उसके अलावा पांच और कंट्री थे फाइन यू हैव दैट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान साउथ कोरिया एंड चाइना इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था क्यों इंडिया ने मना किया इंडिया ने इसलिए मना किया कि यहाँ पर चाइना भी इन्वॉल्व था और इंडिया के कुछ कंसर्न थे चाइना की वजह से तो इंडिया ने कहा ये हमारी प्रॉब्लम्स है आप इनको सॉल्व कीजिए उन चीज़ों को इस आर ने एक्नॉलेज नहीं किया उनको आपका सॉल्व नहीं किया गया तो इंडिया ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि चाइना यहाँ पे है चाइना अगर इस आर को यूज़ करेगा अपनी बैकडोर एंट्री के लिए अपना माल डंप करना स्टार्ट करेगा क्योंकि देखिए आर हमने साइन कर लिया तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया पंद्रह कंट्रीज़ के साथ में अब उसमें मान लीजिए वियतनाम भी है अब हम कोई चीज़ आपकी आ रही है वियतनाम से ठीक है तो हम देख रहे हैं यार चलो वियतनाम से आ रही है चाइना का तो कोई रोल है नहीं जबकि उस प्रोडक्ट का 80 परसेंट ऑफ दैट मटेरियल चाइना से बिलोंग कर रहा है तो चाइना वियतनाम को दे रहा है और वियतनाम इंडिया में दे रहा है तो बैकडोर एंट्री हो गई ना तो इस तरह से काफ़ी सारे कंसर्न थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे जब आर न्यूज़ में था तो इस तरह के अगर आपके कंसर्न जो हैं उनको अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो तभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली टॉक्स होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं टाइम कंज्यूमिंग होती हैं आप देखोगे इंडिया और ई इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं दो से बात चल रही है दो में बंद हो गई वापस स्टार्ट होगी वी कैन बी होपफुल कि यहाँ पे जो भी आपके डिफरेंसेस हैं क्या डिफरेंसेस हैं हमारे मार्केट एक्सेस को लेके मार्केट एक्सेस को लेके इंडिया चाहेगा कि हमारी ये प्रोडक्ट है इनके ऊपर टैरिफ कम किया जाए इनकी एंट्री ईजी की जाए टैरिफ मतलब टैक्स जो लगाए जाते हैं तो उससे क्या होगा इंडिया के प्रोडक्ट्स कंपिटिटिव हो जाएंगे यूरोपियन मार्केट में तो इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगा तो इस पर क्या यूरोपियन यूनियन एग्री होता है या नहीं होता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट की लिस्ट होगी इसी तरह से मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स हैं ओके स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स में हम बात करें तो आई टी प्रोफेशनल्स हैं तो उनको आप एंट्री दे रहे हो नहीं दे रहे हो क्या रेस्ट्रिक्शन है ये सब चीज़ें होंगी टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड देखिए इनकी जो ट्रेड ये वाली जो निगोसिएशन है उसमें क्या एरियाज है जिस जिसपे डिस्कशन होगा अगर क्वेश्चन आता है यू कैन यूज़ ऑल दिस पॉइंट्स और मेंस में रहेगा इस पर क्वेश्चन है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड सैनिटरी फ़ाइटोसनिटरी मीजर्स सैनिटरी फाइटोसनिटरी मीजर्स मतलब जैसे आपके कोई मैंगो हैं कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जा रहा है तो वो कुछ प्रैक्टिस होती हैं स्टैंडर्ड होता है उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स फाइन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लेजिटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मीज़र इंडिया कहता है कि यार आपने यहाँ पर तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया लेकिन आपने काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे ऊपर अलग से कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो उसके बाद भी हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो इसका क्या होगा इन मेजर्स का आप क्या करोगे वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स को इंक्लूड करना इंक्लूडिंग गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये सारी चीज़ें तो यही इन्होंने कहा है कि इसी के ऊपर हम वापस से बी जो है इसके ऊपर हम वापस से टॉक स्टार्ट कर रहे हैं ये न्यूज़ है ठीक है ना पॉइंट जरूर आप इसमें ऐड करेंगे दैट इज कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है ना कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के लिए इन्होंने अडॉप्ट किया है एंड दिस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर है ना आपने यहां पे साइन किया है डेफिनेटली एंड इंडिया ईयू यू कनेक्टिविटी पार्टनरशिप साइंड ऑन दिस कमिटेड द टू साइड वर्किंग टूगेदर ऑन द डिजिटल एरिया एनर्जी ट्रांसपोर्ट पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी दैट वाज ट्रांसपेरेंट विजिबल एंड इंक्लूसिव तो इस चीज़ को आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना केवल यही एक पॉइंट था और डेफिनेटली ये जो आ, एडिटोरियल होगा कोई अच्छा उसमें हम इसको कवर करेंगे बाकी ये जो पूरा डिस्कशन है ये जो पूरा डिस्कशन है इसमें केवल यही कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया की डिमांड के ऊपर क्या कर रहा है इंडिया ने कहा था ना आप वैक्सीन के ऊपर से आई वाला ट्रिप्स वाला डब्ल्यू का जो जो प्रोटेक्शन है उसको हटा लीजिए कोई रिलैक्सेशन दे दीजिए तो उस पर यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है तो डेफिनेटली इंडिया कन्विंस नहीं कर पाया है यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन का यस yes करना बहुत जरूरी है और जर्मनी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन जर्मनी ने पहले ही कह दिया कि हम इसके समर्थन में नहीं है वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेविंग द पेटेंट्स पेटेंट प्रोटेक्शन सो उस कॉन्टेक्स में ये बस पूरा उसी का बात हो रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन वाली ही पूरी चर्चा है जिसपे इसने हम इसको कन्विंस नहीं कर पाए हालांकि इस पर डिस्कशन ऑन रहेंगे लेकिन डिस्कशन ऑन रहने से बात नहीं बनेगी बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम किस तरह से आगे जाता है क्या हम पेटेंट वेवर अचीव कर सकते हैं क्योंकि जब तक यूरोपियन यूनियन यस नहीं करेगा आ, बात नहीं बनेगी यूएसए ने तो हाँ कर दिया है दैट इज फाइन बट यूरोपियन यूनियन इज अ मेजर प्लेयर ठीक है तो तीन पॉइंट हमारे पास हैं फर्स्ट है आपका बी टी आई ए दैट इज बाईलिट्रल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट सेकंड है वैक्सीन वाला जिस जिसपे चर्चा चलेगी अभी और थर्ड है आपकी कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जिसके अंदर काफ़ी सारे आप एरिया ले रहे हो डिजिटल आपकी टेक्नोलॉजी हो गई एनर्जी हो गई ट्रांसपोर्ट हो गया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया फाइन इन सब एरिया को लिया जा रहा है और ये डेफिनेटली चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा विल डेफिनेटली टेक वन एडिटोरियल और जनरली एडिटोरियल इसी तरह से रहते हैं कोई भी बड़ी न्यूज़ रहती है तो आने वाले दो चार दिनों में रहेगा यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कुछ फैक्ट आपके यूरोपियन यूनियन के बारे में अकाउंटिंग 80 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड इन गुड्स ऑन पार विथ यू एंड अहेड ऑफ चाइना ठीक है पूरे यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड कर लिया जाए तो इसमें अब काफ़ी सारे कंट्रीज हैं ये सब मिलकर डेफिनेटली आपका कितना कर रहे हैं इलेवन परसेंट ऑफ टोटल ट्रेड ओके सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए यूएसए के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट के लिए इंडिया इज यूज टेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन का टेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अगर आप एशिया में देखोगे तो एशिया में आई थिंक थर्ड पे होना चाहिए जापान चाइना के बाद में आपका थर्ड पे इंडिया होना चाहिए अकाउंटिंग फॉर वन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ ई यू टोटल ट्रेड तो देखिए हमारा ट्रेड कितना कम है इंडिया पूरे वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ठीक है और हमारा जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ में वो केवल 1.9 परसेंट है बेयरली 2 परसेंट ऑफ दैट ट्रेड यूरोपियन यूनियन का जो टोटल ट्रेड है उसका 2 परसेंट ही काउंट कर रहा है इंडिया है ना हमारा जो ट्रेड है जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के दो के बराबर है तो क्या हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या हमें करना चाहिए क्योंकि चाइना का आपका ऑलमोस्ट फोर्टीन है चाइना का 14 परसेंट है और इंडिया का 2 परसेंट है तो ये जो गैप आ रहा है इसको कैसे ब्रिज करोगे तो इस गैप को ब्रिज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में आपका बढ़ना जो है ये देखा जाएगा ट्रेड आपका इंक्रीज होता है ट्रेड इन सर्विसेज इंक्रीज रैपिडली तो ट्रेड इन सर्विसेज आपका इंक्रीज हुआ है तो यहां पे भी हम कोशिश कर सकते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज मोर देन डबल आपके डबल भी हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत कम है ठीक है ना जितना पोटेंशियल हम रीच कर सकते हैं उससे काफी कम है और डेफ़िनेटली इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन हो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे पीडीएफ इस सेशन की यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी कोई भी आपका डाउट है एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन रीच आउट टू दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल स्पेशली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड काफ़ी बच्चों की क्वेरीज हैं तो वो आप यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल स्कॉलरशिप टेस्ट जो नए बच्चे हैं हर संडे को आपका होता है ग्यारह बजे उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं फ्री है इसी तरह से आपकी फ्री टेस्ट सीरीज इज़ ऑलसो देयर दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट हैव ए ग्रेट डे एंड प्लीज़ स्टे सेफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना अननेसेसरली बाहर मत निकलिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं मास्क पहन के जाइए अगर आप एन यूज़ नहीं कर रहे हो तो डबल मास्क पहनिए अदरवाइज एन इज़ गुड एज वेल फाइन सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ग्रेट डे एंड वी विल भी हैविंग दैट पी आई बी एनालिसिस है ना पी आई बी आपका रहेगा टेन थर्टी पे फाइन